हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज। तो आज अपन यूनिफॉर्म बाउंडेड थ्योरम करने वाले हैं। तो आपका क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएगा डायरेक्ट, स्टेट एंड प्रूव यूनिफॉर्म बाउंडेड थ्योरम। तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, मतलब सीधी सी बात है कि स्टेटमेंट भी आपको खुद ही याद रखना पड़ेगा और इसका प्रूफ भी खुद ही याद रखना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले अपन स्टेटमेंट याद करते हैं, देखते हैं स्टेटमेंट क्या है, उसके बाद में अपन इसका प्रूफ देखेंगे। तो क्या क्या गिवन है अपने को स्टेटमेंट में? एक बेनाक स्पेस गिवन है एक्स, दूसरा नॉन लीनियर स्पेस वाई गिवन है। ओके, अब ये बोल रहा है कि एम कोई सबसेट है बी एक्स टू वाई बी का, और बी क्या है यहाँ पे, जो एक्स से वाई में डिफाइन, एक्स टू वाई में डिफाइन जितनी भी बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उन सब का सेट, उन सबको कलेक्ट करके सेट बी में रख दिया। और आपने देखा होगा शायद ये एक नॉन लीनियर स्पेस भी बनाता है। ओके, उसके बाद में है कि एक सेट दे रखा है अपने को टी एक्स वाई, कोई एक्स कोई एलिमेंट है, एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स, मतलब बेनाक स्पेस से एलिमेंट लिए उस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाई। तो अपने को पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन लगने के बाद में, इसके एलिमेंट पे ट्रांसफॉर्मेशन लगने के बाद में वो एलिमेंट्स वाई में जाते हैं। तो उन सब का एक सेट लिया और ये दिखाया कि ये सेट क्या है, बाउंडेड है, बाउंडेड इन वाई या फिर बाउंडेड सबसेट ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स के लिए। तो अपने को प्रूफ करना है देन एम बी बाउंडेड सबसेट ऑफ बी एक्स वाई, मतलब ये जो एम है, जो बी एक्स वाई कलेक्शन ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सेट का जो सबसेट लिया अपने को बी सॉरी एम, उसको अपने को बाउंडेड दिखाना है। मतलब सीधी सी बात है, अपने को क्या क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है वो देखते हैं। देखो, अपने को स्पेस गिवन है एक तो एक्स, ये बेनाक स्पेस है। ओके, दूसरा है वाई, वाई इज कंप्लीट स्पेस, सॉरी बेनाक स्पेस, एंड ये दे रखा है अपने को नॉन लीनियर स्पेस ओनली। ओके, तो बेनाक स्पेस है, तो बेनाक स्पेस में क्या क्या होता है, नॉन लीनियर स्पेस प्लस कंप्लीट स्पेस। ओके, ये दो प्रॉपर्टी आती हैं अपनी, जब कोई नॉन लीनियर स्पेस कंप्लीट हो जाए तो उसको बेनाक भी बेनाक स्पेस बोलते हैं, अपने को गिवन है। साथ में दे रखा है कि टी एक्स टू वाई जितनी भी एक्स से वाई में डिफाइन जितनी भी बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो सबको कलेक्ट करें तो वो बनता है बी एक्स वाई सेट। ओके, और इसका सबसेट अपन ने एम लिया, मतलब एम में भी क्या आएंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही आएंगे, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी बिलोंग टू बी। इसको अपने को क्या दिखाना है, बाउंडेड दिखाना है, ये अपने को शो करना है कि ये सेट अपना क्या है, बाउंडेड, मतलब इसका नॉर्म अपने पास है, इसके सारे एलिमेंट्स का नॉर्म लेस देन इक्वल के आ जाए, कि एक पॉजिटिव नंबर ऐसा मिल जाए अपने को जिससे इसका नॉर्म, इसके सारे एलिमेंट्स का नॉर्म लेस देन हो, तो अपन क्या बोलेंगे, बाउंडेड बोलेंगे इसको। तो यही अपने को ऐसा पॉजिटिव नंबर निकालना है, ढूंढ के लाना है कि ये बाउंडेड कैसे होगा। और साथ में अपने को गिवन है कोई सेट टी एक्स वेयर एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स एंड टी बिलोंग टू एम। ओके, ये सेट अपने को बाउंडेड दे रखा है, राइट, ये वाला अपने को गिवन है, गिवन कंडीशन है। और ये वाला अपने को प्रूफ करना है कि इसको बाउंडेड दिखाना है, ये वाला अपने को प्रूफ करना है। अभी देखो, ये बाउंडेड है, इसका मतलब इसके हर एक एलिमेंट का नॉर्म, और ये वाई में बाउंडेड है क्योंकि अपने को पता है जब ट्रांसफॉर्मेशन पे एक्स के एलिमेंट पे ट्रांसफॉर्मेशन लगती है तो वो वाई में जाते हैं, तो ये वाई में बाउंडेड है, राइट। तो ये बाउंडेड अपने को गिवन है, इसका मतलब इसका नॉर्म लेस देन, इनके लिए एक पॉजिटिव नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, क्लियर। तो अपने को ये वाला शो करना है कि ये वाला सेट बाउंडेड है, एम इज बाउंडेड। ओके, तो सबसे पहले अपन वो लिखते हैं जो अपने पास गिवन कंडीशंस हो, क्या प्रूफ करना है ये सब लिखेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं।
हाँ यहाँ पे इस स्टेटमेंट का एक और है कि आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, इफ़ एम इज़ पॉइंट वाइज बाउंडेड। तो मैंने बताया अभी, अब एम क्या था अपना, ये वाला सेट, कौन सा वाला, ये वाला सेट, एम इक्वल टू टी, टी बिलोंग टू, जहाँ पे टी बिलोंग करेगा एम में। वन सेकेंड, मतलब एम अपने पास था बी की, बी से अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन ली थी, बाउंडेड उन सबको कलेक्ट किया था, तो ये एम, ये पॉइंट वाइज बाउंडेड कब होगा, पॉइंट वाइज बाउंडेड, पॉइंट वाइज बाउंडेड कब होगा, जब एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए ये जो ये वाला सेट है टी बिलोंग टू एम, ये बाउंडेड हो जाए तो अपन बोलेंगे दिस एम इज़ पॉइंट वाइज बाउंडेड। और दूसरा होता है यूनिफॉर्म बाउंडेड। यूनिफॉर्म बाउंडेड क्या होता है, फॉर ऑल, मतलब सबसे पहले एम सबसेट होगा बी एक्स वाई का, यही तो है, एम से ही तो अपन ने एलिमेंट इकट्ठा करके, बी से ही एलिमेंट इकट्ठा करके एम में डाले थे। तो ये एम यूनिफॉर्म बाउंडेड कब होगा, जब एक ऐसा पॉजिटिव नंबर के इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो मिल जाए, जिसके लिए क्या हो, नॉर्म ऑफ टी इज़ लेस देन इक्वल के हो। मतलब सीधे सी बात है, ये अपने पास ये वाला, इसको पॉइंट वाइज ये बाउंडेड मिल जाएगा, तो इसको तो पॉइंट वाइज बाउंडेड बोलेंगे। दूसरा, अपने को एम को यूनिफॉर्म बाउंडेड दिखाना है, मतलब एम को बाउंडेड दिखाना है, तो ये एम बाउंडेड हो जाएगा, ये वाली कंडीशन हो जाएगी, तो अपन इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म बाउंडेड। तो आपको डायरेक्ट, आपको आई थिंक ये वाला स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा, जिससे आपको बेनिफिशियल हो। ये वाला छोटा है, बट इसमें दो डेफिनेशन और आ गई, पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्म बाउंडेड की। ओके, तो सबसे पहले अपन प्रूफ देखते हैं इसका, क्या 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 अपने को गिवन है, वही सब, एक्स बेनाक स्पेस गिवन है, वाई नॉर्म लीनियर स्पेस गिवन है, आल्सो बी एक्स वाई इज सेट ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एक्स टू वाई। ओके, ये सब अपन ने देख लिए। अब कंसिडर एम बी सब स्पेस ऑफ बी एक्स वाई, ये यहाँ पे देखो, ये दे रखा है अपने को, एम इज सबसेट ऑफ बी एक्स वाई, तो यहीं पे लिखा है एम बी यानी सब स्पेस ऑफ बी एक्स वाई। ओके, साथ में ये भी गिवन है कि जो ये वाला सेट है ये बाउंडेड है, तो ये सब लिख दिया, गिवन दैट सेट टी एक्स, टी बिलोंग टू एम इज बाउंडेड सबसेट ऑफ वाई, मतलब ये अपने को गिवन है, तो देयर एग्जिस्ट, इसके लिए एक पॉजिटिव नंबर के एग्जिस्ट करेगा, सच दैट नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल के। ओके, अब अपने को प्रूफ करना है, तो अब अपने को ये वाला प्रूफ करना है, क्या जो सेट एम है वो क्या है, बाउंडेड सबसेट है, किसका, बी एक्स वाई का, मतलब अपने को दिखाना है कि इसका नॉर्म ऑफ टी इज लेस देन इक्वल क्या हो जाए, कि हो जाए एक पॉजिटिव नंबर मिल जाए। तो इसके लिए अपने को पता है नॉर्म ऑफ टी निकालते हैं, तो किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन का नॉर्म क्या होता है, नॉर्म ऑफ टी इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी एक्स, वेयर एक्स का नॉर्म क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल वन होना चाहिए। ये डेफिनेशन आपने लास्ट वाली यूनिट में पढ़ी थी, तो उसी के अकॉर्डिंग अपने को ये वाला चाहिए। तो ये वाला अपन कहाँ से लाएंगे, इस वाले के लिए ही अपन सारा प्रोसेस करेंगे, काफ़ी लेंथी प्रोसेस है इसका, तो देखते हैं। अब देखो आगे क्या है कि एक सेट अपन, ये वाला है कि लेट ए सेट फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर एन बिलोंग टू कैपिटल एन। अब अपने को गिवन क्या है वो देखते हैं, तो मेनली अपनी थ्योरम स्टार्ट हो रही है यहाँ से, यहाँ तक तो अपन ने जो भी अपने को गिवन है, जो भी प्रूफ करना है वो सब लिखा है, तो यहाँ से अपनी थ्योरम स्टार्ट हो रही है कि अपने को गिवन क्या है, नॉर्म ऑफ टी एक्स, मतलब जो अपना सेट था टी एक्स, वेयर एक्स टी बिलोंग टू कैपिटल एन, ये वाला बाउंडेड था, राइट, टी एक्स लेस देन इक्वल के, बाउंडेड है तो अपन ने के ले लिया। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि एक अपन ने एक सेट बनाया ए एन, ओके, और उस ए एन में वो एलिमेंट एक्स के वो एलिमेंट डाले जिनका नॉर्म, मतलब उन एलिमेंट्स पे अपन क्या लगाएं, ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं, और उनका नॉर्म क्या हो, लेस देन इक्वल एन हो। मतलब यहाँ पे ए वन लेंगे तो इस एक्स पे, सपोज करो कोई भी ले लिया, एक्स वन ले लिया, ए वन वो सारा सेट,
वो सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट करने वाला सेट है, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद में नॉर्म क्या आ रहा है, वन आ रहा है, नॉर्म ऑफ टी एक्स वन। ओके, ऐसे ही अपन ने मान लो एट एक्स टू ले लिया, तो एक्स टू के लिए क्या बना, एक्स टू सेट है और सॉरी एक्स टू एलिमेंट है और जिनका नॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन लगने के बाद में नॉर्म आ रहा है टू आ रहा है, तो यहाँ पे उन सबको टू वाले नॉर्म, जितने भी एलिमेंट हैं जिनका नॉर्म टू आ रहा है उनको ए टू सेट में रख दिया। ऐसे ही वो सारे एलिमेंट एक्स के जिनका थ्री आ रहा है तो उनको ए थ्री में रख दिया। ऐसे करके अपन ने अलग अलग सेट और उन सब सेट को कम्बाइंडली ए एन लिख दिया। तो वापस बता रही हूँ, ए एन क्या सेट बना लिया, एक्स के वह एलिमेंट ये अपन ने कंसिडर किया है, एक्स के एलिमेंट्स और जिन पे ट्रांसफॉर्मेशन लगने के बाद में ये अपने को गिवन है, तो ये वाले गिवन कंडीशन ही लेके, मतलब के पॉजिटिव नंबर कितना भी हो सकता है। तो अपन ने क्या करा, लेस देन एन ले लिया और ए एन ले लिया यहाँ पे। और देखो ये एन और ये एन एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे सपोज करो एक्स के वो एलिमेंट जिनका नॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन लगने के बाद में नॉर्म वन आ रहा है तो वो ए वन में आएंगे, ऐसे ही एक्स के वो एलिमेंट जिन पे ट्रांसफॉर्मेशन लगने के बाद में टू आ रहा है नॉर्म तो ए टू में आ जाएंगे। ऐसे करके अपन ने ए एन डिफाइन करा है। अब एक्स के एलिमेंट्स अपन ने कैपिटल एक्स के एलिमेंट लिए हैं राइट, और कैपिटल एक्स के एलिमेंट पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो नॉर्म कुछ ना कुछ तो आएगा, तो हर का नॉर्म तो वो या तो ए वन में बिलोंग करेगा वन आएगा, इस एक्स का नॉर्म टू आएगा तो ए टू में। तो ऐसे करके अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स को यूनियन ऑफ ए एन लिख सकते हैं, ज़ीरो टू इनफाइनाइट राइट। तो ये लिखा है कि एक्स इक्वल किसके हैं, एन इक्वल वन टू इन्फाइनाइट ए एन के। तो हर एक एक्स के लिए ए वन, सपोज़ वन, वही बात है, वन नॉर्म आ रहा है तो ए वन में आ रहा है, टू नॉर्म आ रहा है तो टू ए टू में आ रहा है, तो उन सबको कलेक्ट करके एक्स बना दिया अपन ने। क्लियर यहाँ तक, ये लिख दिया एक्स इक्वल यूनियन एन इक्वल वन टू इन्फाइनाइट ए एन। ये पूरे एक्स को, ये ए एन वाले पूरे एक्स को क्या कर लेंगे। अब उसके बाद में देखो x अपने को क्या गिवन है, x बेनाक स्पेस गिवन है ऑलरेडी राइट, x बेनाक स्पेस गिवन है तो कंप्लीट प्लस, कंप्लीट प्लस नॉर्म लीनियर स्पेस। और अपने को पता है कि हर एक नॉर्म लीनियर स्पेस क्या होता है, मैट्रिक्स स्पेस होता है, ये भी पता है। ओके, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट नॉर्म लीनियर, कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस। तो x क्या हो गया, कंप्लीट, और x किसके इक्वल है, यूनियन n इक्वल वन टू इन्फाइनाइट के इक्वल है, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस हो गया x। अब अपने को पता है कि जो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होता है वो क्या रखता है, सेकंड कैटेगरी रखता है राइट, वेयर कैटेगरी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, एवरी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस इज ए सेकेंड कैटेगरी। ओके, तो ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस एक्स इज़ या फिर दिस इज़ सेकेंड कैटेगरी। अब सेकेंड कैटेगरी और फर्स्ट कैटेगरी क्या होती है, देखो फर्स्ट कैटेगरी और ये है सेकेंड कैटेगरी, मतलब कोई कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है, कोई भी वेक्टर स्पेस, सॉरी एन नॉर्म लीनियर चल रहा है यहाँ पे, तो कोई भी नॉर्म लीनियर स्पेस को नोवेयर डेंस सेट के यूनियन की फॉर्म में लिखा जाता, काउंटेबल नोवेयर n इक्वल वन टू इन्फाइनाइट काउंटेबल नोवेयर डेंस सेट की यूनियन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, x दिस x इक्वल टू यूनियन ऑफ n इक्वल वन टू इन्फाइनाइट ए एन, फर्स्ट कैटेगरी होता है। यहाँ पे ये ए एन क्या हो, नोवेयर डेंस सेट। ओके, नोवेयर डेंस सेट क्या होता है, जिनके क्लोजर का इंटीरियर फाई के इक्वल हो, मतलब जिनके क्लोजर, ए कोई सेट है उसका क्लोज़र लेंगे और उस सेट के क्लोज़र का एक भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं हो तो उसको नोवेयर डेंस सेट बोलेंगे। और यदि कोई भी एक भी अपने पास क्या आ गया, इसका एक क्लोज़र का एक भी इंटीरियर पॉइंट आ गया तो ये क्या होगा, नॉट इक्वल फाई। तो वही बात है, सेकेंड कैटेगरी क्या होती है कि एक्स को यूनियन की फॉर्म में लिखा गया बट कम से कम एक ए वन या फिर ए टू, कम से कम एक ए अपने पास ऐसा मिल गया जो क्या है, समवेयर है, समवेयर डेंस सेट है। ओके, मतलब इसका इंटीरियर का, इसके क्लोज़र का इंटीरियर क्या है, फाई नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा एक एलिमेंट एक क्लोज़र में ज़रूर है जो इसका इंटीरियर भी है।
ओके तो सेकंड कैटेगरी होती है, तो यहाँ पे अपने पास एक्स क्या आई, सेकंड कैटेगरी आई, और एक्स के इक्वल क्या है ए एन, तो ये क्या हो गया सेकंड कैटेगरी। तो इसका मतलब कम से कम एक ए एन तो ऐसा ज़रूर मिलेगा, तो मैंने क्या लग दी क्या लगा दिया वो ए एन नोट मेरे को ऐसा मिल गया जो क्या है समवेयर डेंस सेट है। ओके मतलब इस ए एन नोट में एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर है जो इसका इंटीरियर पॉइंट है। अब इंटीरियर पॉइंट बताया होगा आपको, इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, एक्स इंटीरियर पॉइंट जब होता है जब अपने पास कोई एक इंटरवल ऐसा मिल जाए जो सबसेट हो उस सेट का, तो ये एक्स इस सेट का क्या हो जाएगा इंटीरियर पॉइंट। मतलब एक ओपन इंटरवल, यहाँ पे अपन मैट्रिक स्पेस की बात कर रहे हैं, नॉन लीनियर स्पेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक ओपन बॉल मिल जाएगी जिसका सेंटर कौन होगा, जो पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है वो। तो यहाँ पे सपोज़ करो मेरे को एक इंटीरियर पॉइंट भी मिल गया, क्योंकि ये समवेयर डेंस सेट है तो कोई ना कोई इसका कोई ना कोई पॉइंट तो क्या है इंटीरियर पॉइंट है, तो मैंने सोच लिया कि एक एक्स नॉट पॉइंट है जो इसका क्या है इंटीरियर पॉइंट। ओके तो इस एक्स नॉट सेट के रिगार्डिंग ये इसका इंटीरियर पॉइंट है, तो इसके लिए एक ओपन बॉल एग्जिस्ट कर गई बी एक्स नॉट आर नॉट, जहाँ पे आर नॉट क्या एक रेडियस है और वो हमेशा क्या होती है पॉजिटिव है ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन से ये सबसेट हो गया किसका, इसका इंटीरियर पॉइंट है तो इसी का सबसेट होगा। इसको मैंने दे दी इनक्वालिटी ए। अब अपन क्या करेंगे कि ये ए एन नॉट है इसको क्लोजर प्रूफ क्लोज प्रूफ करेंगे, जिससे क्या हो जाए ए एन नॉट इक्वल आ जाए। क्लोज क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है जिसका हर एक पॉइंट क्या हो लिमिट पॉइंट हो, या फिर ये वाले मान लो कि ए एन ए कोई क्लोज सेट है। एक क्लोज सेट कब होता है, जब इसका क्लोजर इसी के इक्वल आ जाए, मतलब इसका हर एक पॉइंट क्या हो जाए लिमिट पॉइंट हो जाए। तो अपन इसको क्लोज सेट प्रूफ करेंगे ए एन नॉट को, कैसे, इसका एक लिमिट पॉइंट लेंगे एक्स। ओके और इस एक्स को किस में दिखा देंगे, इस ए एन नॉट में दिखा देंगे। ओके तो हर एक आर्बिट्री ले रहे हैं एक्स, तो हर एक पॉइंट क्या हो जाएगा लिमिट पॉइंट। लेट एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन नॉट। ओके तो लिमिट पॉइंट है तो इसके रिगार्डिंग क्या मिलेगी अपने को, सिक्वेंस मिलेगी। तो सपोज कर लो ए एन नॉट, और वो सिक्वेंस भी क्या होगी ए एन नॉट में ही होगी। तो सपोज कर लिया अपन ने ए एन नॉट को एक्स एन को सिक्वेंस है किसकी, ए एन नॉट की, जो कौन सी इस लिमिट पॉइंट को कन्वर्ज हो रही है। ओके एक्स एन कन्वर्स टू एक्स। अब ये ए एन नॉट की सिक्वेंस है एक्स एन, और ए एन नॉट अपना क्या था, यहाँ पे ए एन नॉट लगा दो, मतलब इसके ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे एक्स एन पे। देखो ये एक्स एन सिक्वेंस किसकी है ए एन नॉट की, और ए एन नॉट अपन डिफाइन करें, ए एन नॉट अपन डिफाइन करें तो वो क्या आ जाएगा, उसमें वो सारे एलिमेंट आएंगे एक्स के जिन पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, तो उनका नॉर्म क्या आएगा लेस देन इक्वल एन नॉट। तो यहाँ पे एक्स एन ए एन नॉट एक्स एन सिक्वेंस ली अपन ने ए एन नॉट से, तो इस एक्स एन पे भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे और इसका नॉर्म लेंगे, तो उसका नॉर्म भी क्या आ जाएगा लेस देन इक्वल एन नॉट। यहाँ तक हो गया। अब देखो अब अपन लिमिट फॉर्म में, मतलब अपने को पता है कि दोनों साइड लिमिट लगाएंगे नॉर्म लगाएंगे, तो लिमिट फॉर्म में इसकी जो लिमिट पॉइंट क्या आ रहा है टी आ रहा है, तो इसका नॉर्म भी क्या आ जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा नॉर्म ऑफ टी एक्स के। अब कोई सिक्वेंस अपने को पता है कि कोई सिक्वेंस का नॉर्म, मतलब लेंथ किसी भी सिक्वेंस के हर एक एलिमेंट की लेंथ एन नॉट से लेस देन आ रही है कम आ रही है, तो उससे उसके लिमिट पॉइंट की लेंथ भी क्या होगी एन नॉट से कम ही होगी। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल एन नॉट, राइट। मतलब ये एक्स अपने को लिमिट पॉइंट के ऊपर अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करी और उसका नॉर्म निकाला, तो उसकी लेंथ भी कितनी आई एन नॉट से कम आई, यही अपने को चाहिए था। और एन नॉट से कम आ रही है लेंथ, तो ये किस में पहुँच जाएगा ए एन नॉट में, क्योंकि ए एन नॉट में वही एलिमेंट आ रहे हैं जिन पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद में नॉर्म डिफाइन करें, नॉर्म अप्लाई करें, तो उसकी लेंथ कितनी आनी चाहिए लेस देन इक्वल एन नॉट आनी चाहिए। तो ये अपन ने लिमिट पॉइंट लेके चले थे एक्स किसका ए एन नॉट का, और ये किस में आ गया ए एन नॉट में ही आ गया, तो इसका हर एक पॉइंट क्या हो गया लिमिट पॉइंट हो गया, क्योंकि एक्स अपन ने आर्बिट्रेरी लिया था। तो ए एन नॉट क्या हो गया क्लोज सेट, तो क्लोज सेट हो गया, तो क्या बोल सकते हैं कि इसका क्लोजर इसी के इक्वल है। ओके ये अपना छोटा सा प्रोसेस है।
और इसके आगे अपन करते हैं, मतलब अपनी मेन थ्योरम स्टार्ट हो जाए कि आगे का जो अपने को ये वाला चाहिए था, ये वाला चाहिए था, इसके लिए अपन ने ये सब किया है ऊपर वाला। ओके तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके तो अपना क्या आ गया, यहाँ तक अपना आ गया ए एन नॉट का क्लोजर इक्वल आ गया, मतलब हर एक पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट हो गया। तो अपन ने देखा था इंटीरियर था एक्स नॉट, देन एक्स नॉट कॉमा आर नॉट क्या होता है, सबसेट था ए एन नॉट का फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट। ओके तो यहाँ पे क्या किया, बी एक्स नॉट आर नॉट इज लेस देन सॉरी सबसेट ऑफ ए एन नॉट, ये वाला लेके चले। अब देखो यहाँ पे ये इसको लेके चलेंगे बी एक्स नॉट आर नॉट को। ओके अपना काम स्टार्ट हो रहा है, जो अपने को प्रूफ करना था उसके अपन क्लॉज पहुँच गए हैं। तो बी एक्स नॉट आर नॉट अब इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था सेंटर को बाहर निकालेंगे तो एडिशन, और जब रेडियस को बाहर निकालेंगे तो मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीपल आएगा। तो यहाँ से एक्स नॉट को बाहर निकाला तो एडिशन आ गया, और आर नॉट को बाहर निकाला तो आर नॉट मल्टीप्लाई में आ गया। तो ये क्या बन गया, बॉल यूनिट बॉल बन गई यूनिट रेडियस की, जिसका सेंटर ज़ीरो है और रेडियस वन है। ओके अब अपने को यूनिट रेडियस वाली जो सेंट बॉल है उसको इधर कर लेंगे और बाकी ये सबको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये क्या बन गया, ये नेगेटिव में आ जाएगा, और ये आर नॉट इधर मल्टीप्लाई में तो ये अपॉन में आ जाएगी। दोनों साइड अपन ट्रांसफॉर्मेशन लें, तो ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे टी, तो इधर ट्रांसफॉर्मेशन इधर ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे टी। आर नॉट क्या है, आर क्या है, एक रेडियस है, तो रेडियस अपने को पता है स्केलर होता है, मतलब कांस्टेंट होता है, तो स्केलर बाहर आ जाएगा और ट्रांसफॉर्मेशन इन पे लग जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है तो ये सेपरेट हो जाएंगे, ये क्या बन जाएगा टी बी नॉट एक्स नॉट आर नॉट माइनस टी एक्स नॉट, पहले इस पे लग जाएगा फिर इस पे लग जाएगा। दोनों साइड नॉर्म लेंगे, तो नॉर्म डिफाइन करेंगे अपन, इस पर नॉर्म लेस देन, मतलब नॉर्म क्या होता है, ये लेस देन का साइन, और साथ में मैंने लेस देन क्यों लगाया, क्योंकि इस पे नॉर्म डिफाइन करेंगे अपन। तो नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई क्या होता है, लेस देन इक्वल नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई, तो मैंने ये अलग अलग भी साथ में कर दिया, इसलिए क्या आ गया लेस देन इक्वल साइन आ गया। तो वन अपॉन आर नॉट, ये स्केलर है, इसको चाहे मॉड ले लो पॉजिटिव है। देखो जब अपन स्केलर के नॉर्म लगाते हैं तो मॉड के फॉर्म में आता है राइट, और मॉड आर नॉट हमेशा अपना क्या है पॉजिटिव है, रेडियाई हमेशा पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव पे आप मोड लगाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने डायरेक्ट आर नॉट ही लिख दिया। यहाँ से किया बनाइए टी बी एक्स नॉट आर नॉट, मतलब जो अपनी रेडियस वाली बॉल थी आर नॉट रेडियस वाली, एक्स नॉट जिसका सेंटर था उस पे ट्रांसफॉर्मेशन फिर नॉर्म। अब देखो ये एक्स नॉट वाली जो बॉल है किस में कंटेन कर रही है, ए एन नॉट में कंटेन कर रही है, सबसेट है ए एन नॉट की राइट। तो मैं यहाँ पर देखो इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊँगी, तो इसके एलिमेंट्स भी, तो इस पे भी नॉर्म लगाते हैं, इसके एलिमेंट्स मतलब ये जो बॉल है अपनी, ये बी एक्स नॉट, ये अपना ए एन नॉट मान लो। ओके ये ए एन नॉट मान लो, ये इसका कोई एक्स नॉट कोई पॉइंट है, और ये बी अपना ये वाला है बी एक्स नॉट आर नॉट। अभी अपना पता है कि ए एन नॉट में वही एलिमेंट आ रहे हैं जिनका ट्रांसफॉर्मेशन लगने के बाद में नॉर्म क्या आना चाहिए, लेस देन ए नॉट आना चाहिए। तो इस पे भी अपन ट्रांसफॉर्मेशन पे लगा रहे हैं, इनके एलिमेंट्स पे भी ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, फिर नॉर्म डिफाइन कर रहे हैं, तो इसके लिए भी क्या आ जाएगा, लेस देन एन नॉट आएगा राइट। तो इसकी वैल्यू भी एन नॉट, दूसरा एक्स नॉट ऑलरेडी ए एन नॉट में है, ए एन नॉट में है एक्स नॉट ऑलरेडी, तो इस पे भी नॉर्म डिफाइन करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद, इसका भी एन नॉट, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे एन नॉट मैंने पुट कर दी। ओके तो वन अपॉन आर नॉट पहले से था, ये टू एन नॉट हो गया, ये अपने को पता है कि एन नॉट क्या एक पॉजिटिव इंटीजर, और आर नॉट क्या है अपना पॉजिटिव रेडियस है, तो इसको मैंने ये जो के मान लिया, ये कांस्टेंट मान लिया, इस पूरे कांस्टेंट को यहाँ पे ये एज्यूम कर लिया। अब देखो इसका ट्रांसफॉर्मेशन इस ओपन बॉल का यूनिट रेडियस वाली ओपन बॉल का ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में नॉर्म डिफाइन किया, मतलब लेंथ कितनी आ रही है के से क्या है बाउंडेड होगी राइट। तो इसके मतलब बॉल के हर एक एलिमेंट, ये बॉल का हर एक एलिमेंट ले लिया मैंने फोर ऑल एक्स, एक्स किस में बिलोंग कर रहा है बी एक्स नॉट बी यूनिट रेडियस वाली बॉल में, का हर एक एलिमेंट पे अपन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे और नॉर्म लगाएंगे तो क्या आएगा लेस देन इक्वल किया जाएगा राइट। कि अब देखो यहाँ से नॉर्म ऑफ एक्स क्या है,
यहाँ से देखो, अब इसका एक्स एलिमेंट लेंगे, बॉल का मैं बता रही हूँ, ये जो बॉल है, ये वाली बॉल है, इसके हर एक एलिमेंट का नॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन लगने के बाद में नॉर्म निकालेंगे तो लेस देन क्या आएगा, क्योंकि अपन इसके अंदर ही ये अपनी क्या है, जीरो सेंटर और वन रेडियस वाली बॉल है। ओके, इसके अंदर मैंने कोई भी एलिमेंट लिया, सपोज़ करो वो एलिमेंट यहाँ पे है, तो इसके भी नॉर्म कितना आएगा, लेस देन वन। ये सेंटर पे अब अपनी ओपन बॉल है तो सेंटर, ये सेंटर हो गया और ये अपनी बाउंड्री होगी, तो कोई भी एलिमेंट अपन बाउंड्री पर तो ले नहीं सकते ओपन बॉल में, क्योंकि ओपन बॉल में बाउंड्री इंक्लूड नहीं होती। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे वेक्टर्स भी बॉल के वेक्टर्स अंदर ही होंगे, तो इन सब की लेंथ क्या आएगी, रेडियस से तो कम ही आएगी, और रेडियस वन है तो वन से कम कितनी है, नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन वन। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगी, नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन के हो जाएगा। अब अपने को निकालना क्या था, टी एक्स अपना आ गया, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है नॉर्म ऑफ टी की, सुप्रीमम नॉर्म ऑफ टी एक्स वेयर एक्स इज लेस देन इक्वल वन, और इसकी वैल्यू अपने पास क्या आ गई, के। तो ये क्या हो गया, नॉर्म ऑफ टी लेस देन इक्वल के हो गया, मतलब अपनी जो एम सेट था, एम सेट किसका था, ट्रांसफॉर्मेशन का सेट था, और उसके एलिमेंट का नॉर्म एक पॉजिटिव नंबर से क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया, बाउंडेड हो गया एम, यूनिफॉर्म बाउंडेड किस में, बी में। ओके, तो यहाँ पे अपनी ये थ्योरम कंप्लीट है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आई विश सबको क्लियर हो गया हो।